हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में मैं आपको ये क्वेश्चन कवर बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही ज़्यादा इजी है इनको बनाना। स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगी कि आप इनको कैसे बना सकते हो। और इसकी बैक साइड हम लगाएंगे जिप, ये इस तरह अंडरग्राउंड जिप लगाएंगे। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 1 मीटर फैब्रिक ले लिया था और ये 2 जिप ली हैं। इसके अलावा आपने जोन से कुशन का कवर बनाना है आपको वो चाहिए। अब हम इसको मेज़र करेंगे। यहाँ से आ रहा है 18.5 इंच, दोनों साइड से हमारा सेम ही आएगा, यहाँ से भी 18.5 आ रहा है। अब हम कपड़े को उल्टा करके इसके ऊपर निशान लगाएंगे। वो 18.5 इंच आ रहा था तो हम इस पे 19.5 इंच पे निशान लगाएंगे, 19.5। और दूसरी वाली साइड से भी 19.5 इंच लगा के एक बॉक्स बना लेंगे। कुशन हमारा 18.5 इंच का आ रहा था तो हम निशान लगा रहे 1 इंच एक्स्ट्रा, 19.5 इंच, क्योंकि दोनों साइड हम 1/2 इंच पे एक एक सिलाई लगाएंगे तो 1/2 तो हो गया 1 इंच, इसलिए हमने एक्स्ट्रा लिया है। अब इन सब निशान को मिला देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा। निशान लगाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमने निशान लगाया है यहाँ से 19.5 इंच पे दोनों साइड। अब हमने जो पीस की कटिंग की थी उसको ऐसे कपड़े के ऊपर रख देंगे, यहाँ एक निशान लगाएंगे। और आप ऊपर वाली साइड भी पहले ही निशान लगा सकते हो, मैं बाद में लगा रही हूँ। यहाँ से भी एक निशान लगाएंगे। ये हमारा 19.5 और 19.5 इंच दोनों साइड, जैसे हमने फ्रंट की कटिंग की थी फ्रंट पार्ट की, वैसे हम बैक की यहाँ पे एक निशान लगा रहे हैं। अब हमने बैक पार्ट पे जो जिप लगानी है उसके लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक रखनी है। ये मैंने 6.5 इंच पे निशान लगाया है, आप 5 भी रख सकते हो। सो यहाँ पे एक निशान लगा लिया ऐसे। निशान लगाने के बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम कुशन के ऊपर देखेंगे कि कहाँ पे जिप लगानी है, वहाँ से हम मेजरमेंट लेंगे। सो मैंने जिप लगानी है यहाँ पे, तो यहाँ से नीचे को देखेंगे कि कितना आ रहा है। ये आ रहा है 12 इंच, तो मैं 13 इंच पे एक निशान लगा लूँगी, 1/2 इंच ऊपर जो फोल्ड होएगा, और नीचे सिलाइयों के लिए यहाँ पे 13 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। एक निशान दूसरी वाली साइड भी लगाएंगे और इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इसकी भी कटिंग कर देंगे। सो ये हमारा कटिंग हो गया है। इसके अंदर हम इस तरह से सेंटर में जिप लगाएंगे बैक वाली साइड। अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जिप लगाना सिखाऊंगी, आप जिप कैसे लगाओगे। जिप के ऊपर से हम कटिंग कर देंगे थोड़ी थोड़ी दोनों साइड से, ऐसे दूसरी साइड भी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद हम इसका सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक निशान लगा लेंगे। और इसका भी सेंटर करके इसके ऊपर भी निशान लगाएंगे। और ये जो हम पार्ट ले रहे हैं, जो बड़े वाला पार्ट है वो है बैक वाली साइड का। इन दोनों निशानों को मिला के एक सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाते इस बात का ध्यान रखना है कि जो जिप होएगी वो होएगी उल्टी रख के सिलाई लगाएंगे, और जो हमारा कपड़ा होएगा
वो सीधा होएगा। ये हमने सिलाई लगा ली, ये देखो इस तरह से अब दोनों सीधी साइड आ गई हैं, जिप की भी और फैब्रिक की भी। इसके बाद हम इसके ऊपर जो छोटे वाला पार्ट था इसको अटैच करेंगे, इसका भी हम हाफ कर लेंगे। हाफ करके ऐसे एक निशान लगा लेंगे और जो हमने जिप के ऊपर हाफ का निशान लगाया था उसको मिला के इसके ऊपर भी ऐसे सिलाई कर देंगे। और इसके ऊपर जब आप सिलाई करोगे तो दोनों रॉन्ग साइड आएंगी, मतलब कि दोनों उल्टी वाली साइड रखेंगे, जिप की भी और नीचे वाले कपड़े की भी। ऐसे सिलाई लगाएंगे, अब हमने जिप को इसके दोनों फैब्रिक के अंदर अटैच कर लिया। अब हम यहाँ पे 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे, इधर वाली साइड भी लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद जहाँ पे हमने निशान लगाई है वहां से ऐसे फोल्ड करके उसको आगे वाली साइड ले आएंगे और इसको पिंस के साथ सिक्योर कर देंगे ताकि जब हम सिलाई लगाएं तो ये हिले ना। ये मैंने पिंस के साथ सिक्योर कर लिया इसको। अब हम यहाँ से निशान लगाएंगे 4 इंच पे, एक हमने इधर वाली साइड निशान लगा दिया और एक दूसरी वाली साइड भी लगा देंगे। तो दोनों साइड हमने 4-4 इंच पे निशान लगा लिए। अब हम यहाँ से सिलाई लेके यहाँ से इस तरह जाएंगे और जो सिलाई लगेगी यहाँ पे वो जो नीचे वाला फैब्रिक है हमारा उसके ऊपर लगेगी। आपको आगे पता लगेगा। यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे मैं 4 इंच का निशान लगाया था वहाँ तक ऐसे स्ट्रेट करेंगे। उसके बाद हम ऐसे ऊपर को आएंगे, अब हम यहाँ से स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे। जो हमारा नीचे फैब्रिक दिख रहा है उसके ऊपर लगानी है हमने, ये जो नीचे वाला है। और यहाँ पे हमने 4 इंच का निशान लगाया था वहाँ से नीचे आके ऐसे यहाँ से भी स्ट्रेट सिलाई लगा देंगे। सो ये हमारा बैक पार्ट तैयार हो गया है कुशन का। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप देख ही सकते हो कि 2 स्टेप के अंदर ही ये पूरा बनके तैयार हो गया। इसके बाद जो हमारा आगे का क्वेश्चन है वो बनाना तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो ये हमारा तैयार हो गया। अब हम इसके ऊपर जो हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग की थी उसको रखेंगे। रखने के बाद अच्छी तरह से सेट करेंगे, अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा तो उसकी कटिंग कर देंगे और यहाँ से हम चारों कॉर्नर्स के इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगा।